मुरादाबाद महानगर में भारत विकास परिषद मैत्री शाखा अपने कार्यों को लेकर समाज को संदेश देती दिखाई दे रही है। गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम शहर के स्कूलों में आयोजित किया जा रहा है, जहां मेधावी विद्यार्थियों के साथ विद्यालय के शिक्षकों को भी सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। भारत विकास परिषद मैत्री शाखा का कहना है कि हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाए और गुरुओं का भी अभिवंदन किया जाए, जिससे हमारे भारत देश के सभी लोग मिलजुल कर शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करें। भारत विकास परिषद मैत्री शाखा द्वारा गुरु वंदन छात्र अभिनंदन के अंतर्गत थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत RN इंटर कॉलेज में संपन्न हुआ। विद्यालय के प्रधानाचार्य छोटे लाल को पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। इसके पश्चात विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया और महिला आरक्षण से प्रेरित होकर 3 महिला टीचर्स को विद्यालय की तरफ से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष संजय धवल ने बच्चों को भारत विकास परिषद के बारे में बताया और कहा कि अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए अच्छा नागरिक बनने की जरूरत है। साथ ही इस मौके पर शपथ भी दिलाई गई। प्रज्ञा अग्रवाल ने बच्चों को अच्छा नागरिक बनने की सलाह दी। प्रधानाचार्य छोटे लाल ने सभी का आभार व्यक्त किया और कार्यक्रम में अध्यक्ष संजय धवल, स्कूल प्रबंधक समिति के सदस्य अंकुश अग्रवाल, सचिव अनुराग मेहरोत्रा, CA, महिला संयोजिका प्रज्ञा अग्रवाल, अनूप मेहरोत्रा का विशेष सहयोग रहा। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रज्ञा अग्रवाल ने कहा कि सभी विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करें और अपने माता पिता के साथ विद्यालय का नाम रोशन करें। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत विकास परिषद में इतनी शाखा हमेशा काम करती आई है और आगे भी ऐसे ही काम करती रहेगी। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर और मैं आप सबके लिए यही विशेष रखती हूँ कि आप सब अपने जीवन में बहुत बहुत तरक्की करें। भारत विकास परिषद के अलावा भी आप ऐसे और मौके दें कि आप स्कूल का, अपना, अपने माता पिताओं का और टीचर्स का, सबका नाम रोशन करें। थैंक यू। विद्यालय के प्रधानाचार्य छोटे लाल ने भारत विकास परिषद के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि आज हमारे विद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थियों को जो सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, उसके लिए मैं परिषद के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, क्योंकि इस टीम ने हमारे बच्चों का जो उत्साह प्रदान किया है, हो सकता है अगले साल हमारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट में आए और स्टेट में भी आए, क्योंकि उत्साह प्रदान से बच्चे के अंदर एक भावना ऐसी जागृत होती है जिससे बच्चा जो है आगे ये देखता है कि हम इस चीज को नहीं आ सकते हैं। हर बच्चा IAS बन सकता है, बशर्ते लगन हो और अपने शिक्षा के प्रति लगाव हो। अगर लगाव नहीं है तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा यही संदेश है, हर बच्चा मेहनत करे और सफलता की कोई गरीबी कोई सीमा नहीं होती है। अगर बच्चा वास्तव मेहनती है और अगर मेहनत करना चाहता है और साथियों का हमारा अगर सहयोग लेना चाहता है, ऐसा हमारा कोई शिक्षक साथी नहीं जो बच्चा का सहयोग नहीं करना चाहता है। हर शिक्षक साथी हमारा सहयोग करना चाहता है, बशर्ते बच्चा पढ़ाई में लगाव रखे और होशियार बच्चा हो। थैंक यू, धन्यवाद। परिषद के अध्यक्ष संजय धवल ने देश और समाज के प्रति समर्पित रहने के लिए सभी विद्यार्थियों को शपथ दिलाई और अपने संबोधन में कहा कि भारत देश आगे बढ़े और हम अपना भरपूर योगदान दें। इसी उद्देश्य को लेकर भारत विकास परिषद मैत्री शाखा कई कार्यक्रम आयोजित करती है। शपथ लेता हूँ कि मैं हमेशा अपने माता पिता, गुरु तथा महिलाओं और बड़ों का सम्मान करूंगा। राष्ट्रीय संस्कृति, परंपराओं, नैतिक मूल्यों एवं नागरिक अधिकारों और अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए अपने कार्य का पालन करूंगा। मैं कभी धूमपान एवं अन्य किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। जोर से बोलना मेरे साथ, मैं देखता हूं कि RN के विद्यालय के बच्चे कितना जोरदार दम रखते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत लंबे समय से संस्था काम कर रही है, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम आप जैसे विद्यार्थियों को प्रेरित करें और एक अच्छा विद्यार्थी बनने में आपकी मदद करें। हमें किसी भी तरीके का हमारा कोई राजनीतिक या किसी भी तरीके का कोई हमारा ये संगठन नहीं है। हमारा काम सिर्फ देश के लिए युवाओं को तैयार करना है और उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाना है। उस नागरिक बनने के लिए हमारे पास 4-5 बिंदु हैं। 5 बिंदुओं पर भारत विकास परिषद काम करती है। सहयोग, समर्पण,
सेवा, ये सब पॉइंट आपने सुने हुए हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि ये हम सबको एक दूसरे से बांधे रखते हैं और इन्हीं के जरिए हम एक दूसरे की मदद करते हैं। हमारा सबका काम, देखिए आज पूरा देश एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ रहा है। भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा युवा अगर कहीं है तो वो हमारे हिंदुस्तान में है। इसलिए पूरे विश्व की निगाह हमारे भारत पे है, इसीलिए भारत विकास परिषद भी ये काम कर रहा है। हमारे 3 वार्षिक प्रोग्राम होते हैं पूरे साल में, गुरु वंदन, छात्र अभिनंदन, जो आज हम आपके बीच में करने आए हैं। इसका सीधा सा मकसद ये है कि हम आपको प्रेरित करें कि हर साल भारत विकास परिषद मैत्री आपके इस प्रांगण में आएगा, इस मंच पे आप जैसे युवाओं को यहां सम्मानित करेगा, लेकिन उसके लिए आपको भी ये समर्पण रखना पड़ेगा कि हम अगली बार पूरी कोशिश करके इस मंच पर आके मेडल और सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे। ऐसा